हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। एंड आपके लिए आज हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको विंडोज़ 11 के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो यार विंडोज़ 11 के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, बट यहाँ पर ये अनऑफिशियल है, मतलब यहाँ पर ये लीक्ड जो आपको विंडोज़ 11 देखने को मिलता है। वैसे 24th को लॉन्च होने वाला है, उस टाइम पे हम आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है आपको जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल हम कुछ यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पीसी में कोई विंडोज़ इंस्टॉल है, जैसे कि 8 हो गया या 7 हो गया या 10 हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे में 10 इंस्टॉल है, तो उसी में आप एक नई विंडो इंस्टॉल करके उसको देख सकते हो कि वो कैसा चलता है। अगर आपको पसंद आती है तो उसको फ्लैश कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अदरवाइज आप डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन एक तरीके से वर्चुअल बॉक्स में देखने को मिल जाता है। मैंने वही काम किया कि विंडोज़ 11 को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लिया है और उसके फीचर्स मैंने सारे देख लिए हैं। तो उसी में से कुछ फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स इस बार विंडोज़ 11 के देखने को मिलते हैं। तो चलिए यार फटाफट से बता देते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमें विंडोज़ 11 में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पर फीचर आ जाता है वो है स्टार्ट मेनू। अगर हम स्टार्ट मेनू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर जाएंगे तो ये एक सेंटर्ड में आ गया है। मतलब पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में हुआ करता था, अब इसको सेंटर में कर दिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफिक्स भी चेंज किए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इसी स्टार्ट मेनू की, तो यहाँ पर आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मतलब सबसे पहले ऐड किया इन्होंने, जैसे आपको iMac वगैरह में देखने को मिल जाता है। आप इसको चाहो तो इसको साइड में भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो टास्क बार को लेकर के, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं चला सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेंटर्ड में है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको लेफ़्ट में कर सकते हो। अभी ये मेरी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, दैट्स वाई कि मैं ये भी कर नहीं सकता। काफ़ी सारी पर्सनलाइजेशन अभी हमारी बंद हो रखी है। इसमें काफ़ी सारे वॉलपेपर्स भी डिफरेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर्स दे रखे हैं, जैसे कि एक सामने आप देख ही सकते हो ये वॉलपेपर है। इसके साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वॉलपेपर है। आप चाहो तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ सेटिंग्स में चल करके। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो वॉलपेपर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आपने काफ़ी सारे देख भी लिए होंगे, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप पर्सनलाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आप ये देख सकते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर्स हैं। एंड यहाँ पर जो डार्क मोड है वो भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। पहले क्या था कि डार्क मोड मतलब आप वॉलपेपर काइंड ऑफ सेट कर सकते थे, बट वो पूरी तरीके से डार्क मोड फील नहीं होता था और वहाँ पर मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। इस बार इन्होंने प्रॉपरली एक डार्क मोड ही दे दिया है, तो ये इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद मैं सेकेंड फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विंडोज़ ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपको जैसे विंडोज़ पावर शेल था पहले भी था वो देखने को मिलता है, लेकिन विंडोज़ पावर शेल में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप CMD कमांड भी रन कर सकते हो, एज्योर क्लाउड शेल भी रन कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे तीन एक साथ विंडोज़ आप ओपन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मतलब तीनों चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो एक ही विंडो में। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट टैब आप ओपन कर सकते हो और इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो आपको फीचर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग का यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आप डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दे दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ से आप नया विंडोज़ मतलब न्यू आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे वर्चुअली। तो ये एक यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग दे रखा है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट करने पर यहाँ पर ये काफ़ी एज इनका शार्प हुआ करता था, अभी यहाँ पर ये थोड़े राउंडेड कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ इसमें ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर किया गया, जैसे कि आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसके भी जो एजेस हैं वो राउंडेड कर दिए गए हैं इस तरीके से। मतलब ये सारे भी छोटे से चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी ब्राइटनेस कम और तेज़ करने के लिए देखने को मिल जाता था, उसका भी यहाँ पर जो आइकन है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिए।
तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप मेनू में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कितने सारे आइकन्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने मतलब इस बार के विंडोज़ 11 में एक चीज़ देखी है कि आपका जो फ़ोन और विंडोज़ के बीच में जो गैपिंग था एक तरीके से समझने में, उसको लेकर के काफ़ी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप्स के जो आइकन है ऑलमोस्ट इन्होंने सब कुछ सिमिलर यहाँ पर कर दिया है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। तो आइकन्स को लेकर के काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फाइल्स को लेकर के तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे आइकन्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो है वो चेंज किया है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी। ये सारे आइकन्स आप देख सकते हो, ये सब काफ़ी चेंज हुए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिस्क की बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हो कि काफ़ी चेंज हुआ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक खास चीज़ और है कि अगर आप इस बटन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मतलब मल्टीटास्किंग देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक साथ चार चार टैब चला सकते हो, मतलब चार चार एक साथ काम कर सकते हो। तो मैक्सिमम है ये, और तीन भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, और एक तो वैसे भी कर ही सकते हो। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और फीचर बता दूँ जो कि विंडोज़ 7 में आपको देखने को मिलता था, और फाइनली यहाँ पर इन्होंने वापस उस चीज़ को ला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में इसका ब्लर हो जा रहा है, तो ये चीज़ वापस इन्होंने विंडोज़ 7 से लेकर के इसमें डाल दी है। इस तरीके से भी आप मतलब चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर वापस इन्होंने विंडोज़ 7 से कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। इनफैक्ट और भी बहुत सारे फीचर्स मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्चुअल बॉक्स की होने की वजह से मैं सारे फीचर्स आपको शेयर नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद जो ऑफिशियली विंडोज़ रिलीज़ की जाएगी, दी जाएगी, मैं उसमें और भी सारे फीचर्स हो सकते हैं देखने को मिले। दैट्स वाई अभी मैं बहुत ही ज़्यादा फीचर्स अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वहाँ पर आपको फुल फ्लैश में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और कैसे इंस्टॉल करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो यार उस वीडियो का वेट करो, क्योंकि ऑफिशियली आने के बाद काफ़ी चीज़ें हो सकता है बदल सकती हैं। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि फ़ीचर्स यहाँ पर डेफिनेटली ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी आपको मैंने फ़ीचर्स बताए इसमें से कोई भी हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें ऑफिशियल लॉन्च में देखने को मिल सकते हैं, तो वो सब देखते हैं। और यहाँ पर कुछ टैप्स वगैरह भी देखने को मिल गई है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हो तो वो भी बेसिकली मैंने लॉगिन नहीं किया है अपनी मेल आईडी से, तो दैट्स वाई वो दिखा नहीं रहा है। बट यहाँ पर ये भी फीचर आपको विंडोज़ 11 में लेफ्ट साइड के तरफ देखने को मिल गया है। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको विंडोज़ 11 में देखने को मिले हैं। होप करते हैं यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। विंडोज़ 11 पे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ, तो उसके लिए यार सब्सक्राइब कर लेना, और भी इंटरेस्टिंग दूसरी वीडियोस आपको मिलने वाली है। मैं सोशल मीडिया के लिंक से जाकर के फॉलो कर लेना, एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि अब कंटेंट तबाही आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।